नमस्कार प्रश्न प्रस्तुत डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। हम लोग डिजिटल फिल्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल फिल्टर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं वो फिल्टर्स जो कंटिन्यूस टाइम डोमेन से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम लोग को लेके जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे लो पास फिल्टर, ठीक है, LPF। लो पास फिल्टर क्या होता है? एक रेजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर पैरेलल में लगाया होता है, तो सिग्नल यहाँ पे आएगा इनपुट ऐसे और आउटपुट यहाँ से आएगा अक्रॉस कैपेसिटर। तो समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो लो पास मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये सर्किट इसको पास होने देगी, इसको पास नहीं होने देगी। तो हम लोग इतना पता है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख दूँ, मैं हाई लो बहुत जल्दी कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर उतना चार्ज नहीं होगा और मैं आउटपुट ले रहा हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस। अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है तो आउटपुट मुझे सही नहीं मिलेगा। मतलब जब लो पास है तो कैपेसिटर पूरा जितना वोल्टेज मैंने दिया है उतने तक चार्ज होकर मुझे यहाँ पर आउटपुट दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो फिर मुझे आउटपुट कम मिलेगा। मतलब ये अगर इनपुट है, ये भी अगर इनपुट है, तो आउटपुट में अगर ये इनपुट है तो आउटपुट में वैसे ही वेव मिलेगी, सिमिलर वेव, ठीक है। लेकिन अगर ये इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड देखो और इसका एम्पलीट्यूड देखो, ये है लो पास फिल्टर, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है तो एम्पलीट्यूड कम कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो बहुत ही कम कर देगा। चलो, तो हम लोग अभी डिजिटल फिल्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, एक तो IIR और एक FIR, ठीक है। इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस और फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस। हम लोग इतना समझ जाएंगे कि इसमें इनफाइनाइट सैंपल होंगे और इसमें फाइनाइट सैंपल होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉन्स्टेंट फिल्टरिंग करते हैं और इसमें हम लोग पहले सैंपल लेते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, फिर वापस सैंपल लेते हैं, ठीक है। मतलब एक बार ऐसा होगा कि जब हम लोग फिल्टर कर रहे होंगे तब बीच के थोड़े सैंपल छूट जाएंगे और यहाँ पे तो हर एक सैंपल को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? HN इज इक्वल टू 1/2 होल रेस्ट टू UN। और इसकी क्या होगी? इसके तो डायरेक्ट कुछ सैंपल्स ही होंगे, एग्जाम्पल 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो ये हो गई कि इसकी डायरेक्ट पूरी इक्वेशन होगी कि कंटिन्यूस होगा, इसमें सारे वैल्यूज आएगी। इसमें कुछ वैल्यूज तुमने उठा ली, कोई भी तीन वैल्यूज उठा ली, फिर वापस थोड़ी देर बाद तीन वैल्यूज उठा लो, ऐसा होगा, ठीक है। तो और एक दूसरी बात तो पहला होता और दूसरा है कि नॉन लीनियर फेस। तो इसका क्या मीनिंग होगी हम लोग देखेंगे। IIR में होता है, IIR में होता है नॉन लीनियर फेस, ठीक है, और इधर होता है लीनियर फेस। तो नॉन लीनियर फेज और लीनियर फेज मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारा जो H है वो HN इज इक्वल टू H ऑफ N माइनस वन माइनस N ट्रू होता है तो ही वो लीनियर होता है, नहीं तो नहीं, जो कि IIR में नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ये जो IIR है डिपेंड्स ऑन पास्ट आउटपुट, ठीक है, मतलब वो Y N माइनस वन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं HS इज इक्वल टू HN इज इक्वल टू YN बाय XN लिखता हूँ तो, ठीक है। तो ये जो YN होता है, जनरल लोग क्या लिखते हैं? YN इज इक्वल टू XN प्लस टू प्लस XN प्लस वन, ठीक है, ऐसे जाता है। तो इस वाले में IIR में एक YN माइनस वन हो सकता है, YN माइनस टू भी हो सकता है, लेकिन FIR में नो पास्ट आउटपुट, मतलब YN इज इक्वल टू में XN प्लस टू हो सकता है, XN हो सकता है, प्रेजेंट इनपुट हो सकता है, फ्यूचर इनपुट हो सकता है, लेकिन YN माइनस वन नहीं हो सकता है, पास्ट आउटपुट नहीं हो सकता है, तो ठीक है। तो हम लोगों को पता चला ये डिपेंड्स ऑन पास्ट आउटपुट, नॉट, डजेंट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट, ठीक है। अब लोग इसी से आएगा कि इसमें जीरोज और पोल दोनों होते हैं, ठीक है, इसमें ओनली जीरोज। अब जीरोज क्या होता है कोई पूछेगा, तो भाई HS इक्वल टू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू, ठीक है, ये वन है। तो ये जो है ये जीरो है,
और ये जो है वो पोल है, ठीक है। तो अब ये कैसे आया, तो ये इज इक्वल टू वाई एन बाई एक्स एन लिखोगे तुम, ठीक है। तो अगर मेरा इक्वेशन ऐसा था, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस टू प्लस एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन अपॉन वा मतलब अपॉन मतलब माइनस वाई एन माइनस वन, तो फिर क्या होगा, ये वाई एन माइनस वन इस साइड जाएगा, ठीक है। और बाद में हम लोग इसके वाई एन माइनस वन का एस एस बाहर निकालते थे, और यहाँ पे वाई एन, ठीक है, प्लस एस वाई एन आता था, क्योंकि एन माइनस वन का एस बाहर आ जाता है, ठीक है, सब करके। तो फाइनली इधर कुछ एक्स का टर्म आएगा, एक्स एन प्लस वन ऐसा कुछ। फाइनली जो तुम्हारा वाई एन बाई एक्स एन आता है, ठीक है, वो कुछ आएगा यहाँ पे, ये टू है तो यहाँ पे कुछ एस स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर प्लस वन ऐसा कुछ, ऊपर एस स्क्वायर प्लस वन इसके वजह से, और नीचे भी एक टर्म आएगी वाई एन कॉमन लेके एस प्लस वन जैसा कुछ। तो नीचे एक टर्म आई और ऊपर भी एक टर्म आई, ठीक है, नीचे एस आया, नीचे पोल आया। बट अगर ये वाई यहाँ पे नहीं होता ना, ठीक है, मतलब वाई एन इज इक्वल टू होता एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन ही नो वाई एन, तो क्या होता, तो सीधा मैं इसको एस एक्स एन लिख लूँगा ऐसा कुछ, जो भी इसका एक्सपेंशन होता है प्लस एक्स एन। तो ये एक्स एन प्लस वन होता है जेड एक्स एन, ठीक है, वो पहले गलती हुई थी, जेड एक्स एन, जेड एक्स एन प्लस एक्स एन, तो एक्स एन कॉमन लेंगे तो जेड प्लस वन आएगा, ठीक है। तो वाई एन अपॉन एक्स एन क्या आएगा, जेड प्लस वन अपॉन वन। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे कोई पोल नहीं मिल रहा है, ऊपर जीरो है बट नीचे पोल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ जीरोज होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें पास्ट इनपुट पास आउटपुट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा और एक है रिकर्स और नॉन रिकर्स, ठीक है। तो रिकर्सिव क्या है, रिकर्सिव ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग जब वाई निकालेंगे इसके अंदर, तो वो तो वाई एन वाई माइनस एन पर डिपेंड वाई माइनस वन पर डिपेंड करता होगा कि पास्ट आउटपुट होते हैं उसके अंदर, प्लस एक्स एन जैसा कुछ होगा, बट वाई माइनस वाई एन माइनस वन वाई एन माइनस टू पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, मतलब ऐसे वापस वापस जाएगा, वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस थ्री पर डिपेंड करेगा, वाई एन माइनस थ्री वाई एन माइनस फोर पर डिपेंड करेगा, तो ये रिकर्सिव होते होते पीछे जाता है। तो दिस इज अ रिकर्सिव फिल्टर, और इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें जो वाई एन तुम्हारा होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा या फिर फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। तो ये रिकर्सिव नहीं जाएगा, इसके अंदर तुम और नहीं जाओगे, ये तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यूज ही होगी, ठीक है, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन के अंदर इक्वेशन में नहीं जाओगे, ये तुम्हारा आई आर और एफ आर आर का डिफरेंस हो गया। हम लोग आते हैं कि लो पास फिल्टर के पास बैंड्स और ये सब, ऊपर ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पास बैंड है, क्यों, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैंने जो तुम लोगों को पहले समझाया था कि इनपुट अगर मैं देता हूँ फ्रीक्वेंसी का लो पास में, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पूरा मैग्नीट्यूड जाने देगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो कम मैग्नीट्यूड जाने देगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसके नीचे वाला करेगा उसके ऊपर वाला नहीं करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक उसने पूरा एम्पलीट्यूड अलाउ किया, यहाँ पे वो पूरा पास होने देता है, मतलब उसका गेन वन रखता है, जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वही एम्पलीट्यूड जाने देता है, ठीक है। लो पास फिल्टर का गेन वन ऐसा अज्यूम करो, और ये जो डेल्टा है वो रिपल है, ये क्योंकि तुम्हारा रेजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ तो ड्रॉप होगा, तो वो ड्रॉप तुम्हारे तुम्हें रिपल देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे कि अब वो सिग्नल को अटेन्यूएट करने लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड कम करने लगेगा, मतलब गेन कम करने लगेगा, लो पास फिल्टर का गेन कम हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी बड़ी है तभी होगा वो, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी गेन कम हो जाएगा और अटेन्यूएट होने लग जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फाइनली ये डब्ल्यू पी होता है, ये शायद पिंच ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पिंच ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, मतलब गेन बहुत ही कम है। तो ये जो रिपल है ये सिर्फ इतना ही है कि पूरा रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ऊपर का जो रेजिस्टर था, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस थोड़ा सा तो आएगा, तो वो जो थोड़ा वोल्टेज आ रहा है, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमें हम उसे कहते हैं स्टॉप बैंड रिपल। तो नीचे फ्रीक्वेंसी ऊपर मैग्नीट्यूड है और ये स्टॉप बैंड रिपल है। तो ये जो जोन है जब मैग्नीट्यूड एकदम कम नहीं हुआ है, ठीक है, पिंच ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आई है, तो डब्ल्यू सी से डब्ल्यू के बीच का जोन का हम लोग ट्रांजिशन बैंड बोलते हैं, जिसमें अभी अटेनेट हो रहा होता है, हो चुका नहीं होता, और जब अटेनेट हो गया उसको स्टॉप बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये वापस एक हम लोग देख लिया कि आइडियली लो पास फिल्टर का ग्राफ रिस्पांस क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नेटिक रिस्पांस, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि पहले गेन वन ही होना चाहिए था जब तक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आती, और जैसे ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आए गेन जीरो हो जाना चाहिए था, ठीक है।
और गेन जीरो के सीधा स्टॉप बैंड आ जाना चाहिए था, मतलब डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। अभी हम लोग जो पहले देखा वो होता है, क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, तो उसके वजह से ड्रॉप होता है, रिपल्स आते हैं, नॉइज़ आती है, ठीक है, उसके वजह से ये चीज़ होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंस है डिजिटल फिल्टर और एनालॉग फिल्टर के बीच में, ठीक है। डिजिटल फिल्टर में डिजिटल सिग्नल इनपुट होगा, एनालॉग में एनालॉग सिग्नल इनपुट होगा, डिजिटल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये सब बेसिक है। बट डिजिटल में एक इंपॉर्टेंट चीज़, सॉफ्टवेयर से वर्क करोगे तुम, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब अगर मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो सॉफ्टवेयर में मुझे सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है, एक जगह पे वैल्यू बदल देनी है। लेकिन एनालॉग में मुझे रजिस्टर कंपोनेंट्स की वैल्यू बदलनी है, मतलब रजिस्टर की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, और मुझे एग्जैक्ट कैपेसिटर की वैल्यू मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं, ठीक है, और उसमें भी थोड़ी टॉलरेंस की एरर होती है। अब हम लोग इधर आते हैं कि कोड में तुम आराम से डब्ल्यू सी का कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो, बट इधर तुम्हें एक कंपोनेंट चेंज करना पड़ेगा। और फिर हम लोग हीटिंग की बात करें तो फिर यहाँ पे हीटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट यहाँ पे हीटिंग पे तुम्हारा टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज जाएगी, उसकी वजह से तुम्हारा फाइनल आउटपुट भी चेंज होगा। बट अगर यहाँ पे तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ानी है तो फिर तुम रजिस्टर की लेंथ बढ़ा दो, मतलब पहले 4 बिट का था अब 8 बिट का कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हुआ डिजिटल और एनालॉग के बीच में डिफरेंसेस। तो डिजिटल फिल्टर में जो भी मैं कोड की बात कर रहा था, कोड में कोएफिशिएंट्स चेंज करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो सिर्फ एक बार मुझे कोड डालना पड़ेगा मेरे डीएसपी प्रोसेसर में, जैसे ही मैं कोड डाल दूंगा तो मेरे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे और मुझे आउटपुट अलग मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब लोग आते हैं आईआर फिल्टर डिज़ाइन कैसे करोगे। तो दो मेथड्स हैं, एक है बैकवर्ड डिफरेंस और दूसरा है इनवेरिएंट इंपल्स रिस्पॉन्स। तो हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस पहले देखेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस कैसे करते हैं, तो एच एस इज इक्वल टू 2/s(s)(3) वाला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग नीचे आ जाते हैं। एच एस इज इक्वल टू 2/s(s+3), ठीक है। तो हमें लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ होगा कि हमें उसका एनालॉग फिल्टर बनाना है, एनालॉग लो पास फिल्टर बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है वो हम लोग सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, उसके ऊपर ऐसा लिखा होगा एनालॉग लो पास फिल्टर, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार, ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, एनालॉग लो पास फिल्टर स्पेसिफाइड HAYS इज इक्वल टू 2/s+3। हम लोग वापस बुक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोग S को 1-Z^-1/T से सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। S के जगह पे 1/S^Z^-1/T, ठीक है। अभी हम लोग बुक का क्वेश्चन लेते हैं, तो 2/s+3 का क्वेश्चन है अभी, तो S के जगह पे ये डालना है, तो अभी HS क्या होगा, मतलब H(Z), जैसे ये डालोगे तो H(Z) हो जाएगा वो, और इसका डेरिवेशन है वो अभी न्यूमेरिकल में हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो H(Z) इज इक्वल टू क्या होगा, 2/1-Z^-1/T+3, S के जगह पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लो, 2T, मतलब ऊपर भी मैंने T मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने T मल्टीप्लाई किया, तो 2T/1-Z^-3T, ठीक है, ये आया H(Z). तो अगर क्वेश्चन में T दिया हुआ है तो हम लोग T की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिए वो डालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अज्यूम करेंगे इफ़ T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अभी क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए मैंने अज्यूम किया 1 सेकेंड, तो H(Z) क्या आएगा, 2/1-Z^-3/1, तो आएगा H(Z) इज इक्वल टू 2/1-Z^-3 इज इक्वल टू 2/4-Z^-1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आता है, 2/4-Z^-1 आता है 2/s+3 के लिए। अब हम लोग एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, HAS इज इक्वल टू 3/s+0.5 होल स्क्वायर + 16, ठीक है। इसका हम लोगों को अब निकालना है आंसर, ठीक है। अब लोग नीचे बुक में आते हैं, HAS इज इक्वल टू 3/s+0.5 होल स्क्वायर, ऐसा हो तो ऐसा ले लो, +16, अगर कन्फ्यूजन और तो 5 और एस के बीच में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वापस हम लोगों को करना क्या, S इज इक्वल टू 1-Z^-T करना है। अब ये T है ना, वो सैम्पलिंग टाइम है दोस्तों, ठीक है।
वो इधर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो हम लोग वन ले लेंगे। तो क्वेश्चन में अभी नहीं दिया, बट अभी हम लोग टी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब इसके जगह मैं रखूँगा तो वो जेड हो जाएगा, तो एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन टी प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब वन माइनस जेड इनवर्स प्लस 0.5t होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए स्क्वायर। और बी स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इस पूरे को a मान के, तो 1 माइनस जेड इनवर्स होल स्क्वायर प्लस 0.5t होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू 0.5t, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16। हम लोग इधर आएंगे, प्लस 0.5t स्क्वायर था तो उसका मैंने ले लिया 0.25t स्क्वायर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे था प्लस 2 1 माइनस जेड इनवर्स 0.5t, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू टी, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, 1 माइनस जेड इनवर्स टी प्लस 1 माइनस जेड इनवर्स टी और प्लस 16, ठीक है। तो ये और एक्सपांड होगा 1 ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पीछे आएगा प्लस 0.25 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड इनवर्स टी प्लस 16 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 2 जेड इनवर्स प्लस जेड माइनस 2 प्लस 0.25 प्लस टी, ये मैंने टी ले लिया, माइनस टी जेड इनवर्स प्लस 16 इज इक्वल टू 3 1 प्लस 0.25 जेड इनवर्स माइनस जेड इनवर्स कॉमन ले लिया मैंने 2 प्लस टी प्लस जेड माइनस 2 प्लस टी प्लस 16। अब टी की वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये 2 प्लस टी है, जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब टी मैं अज्यूम करूँगा इफ़ टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो आएगा 3 अपॉन 1.25 प्लस नहीं माइनस रखते हैं माइनस जेड माइनस 1 2 प्लस 1 3, ठीक है, प्लस जेड माइनस 2 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है। अब ये जेड माइनस 2 मैं आगे ले लूँ यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज करने के लिए, फिर माइनस 3 जेड इनवर्स, फिर 16 प्लस 1 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस 0.25 18.25 प्लस 18.25 फाइनल आंसर हमारा आया ये, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ कि बैकवर्ड डिफरेंस अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे और आंसर आप देखना चाहो तो यही है 3 अपॉन जेड माइनस 2 3 माइनस 3 जेड इनवर्स 80 प्लस 18.25, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ IIR फिल्टर बाय इंपल्स इनवेरिएंट, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई गलती है? आंसर तो सही है लेकिन गलती है, ठीक है। गलती क्या है कि जब मैंने ये टी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड किया और ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने टी स्क्वायर होल से डिवाइड कर दिया, जबकि यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई उस नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए था और ऊपर भी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट आंसर में चीट नहीं आया क्योंकि टी स्क्वायर 1 है। बट उससे ईजी क्या होगा, ये जो स्टेप है ना यहीं पर टी को 1 कर दो, ठीक है। तो फिर तुम्हें 3 अपॉन
1.5 माइनस जेड इनवर्स होल स्क्वायर प्लस 16 ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए की ए माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर काम हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली मेथड पे। तो इनवेरिएंट इंपल्स मेथड, ठीक है, पहले था बैकवर्ड डिफरेंस, अभी है इनवेरिएंट इंपल्स मेथड से। इनवेरिएंट इंपल्स मेथड में तीन इक्वेशंस याद रखनी है, ठीक है। पहली इक्वेशन 1/s + pi, उसके लिए क्या आएगा वो हम लोग देख रहे हैं। 1/, ये फाइनल आंसर ही है, एच जेड क्या आएगा वो है, ठीक है। ये एच एस जब हो तो एच जेड क्या आएगा, तो पी आई की वैल्यू चेंज होगी। 1/s + 1 होगा तो पी आई 1 है, 1/s + 2 होगा तो पी आई 2 है, ठीक है। तो 1/s + pi होगा तो ये आंसर होगा 1/(1 - e^(-pit) जेड इनवर्स, ठीक है। मतलब ये जो पी आई था वो यहाँ पे आएगा, तो ये तुम लोगों को याद रखना है। बाकी इसके लिए मैं तुम्हें तुम लोगों को थोड़ी कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ। ये तो सिंपल हम लोग याद रख सकते हैं, 1/(s + pi) 1/(1 - e^(-pit) जेड इनवर्स। तो s + a/(s + a)² + b², ठीक है, इसका ऐसा कुछ है ये बड़ा सा, ठीक है। तो इतना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर याद करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या कैसा है तुम्हें दिख रहा है, 1 माइनस। तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर याद करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे याद करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को 1 - 2ab cos थीटा आ गया है, फिर बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 माइनस ये मुझे पूरा b दिख रहा है, 1 - 2b और a तो 1 ही है, cos थीटा बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ a - b का होल स्क्वायर है, जिसमें a है 1, b है e^-at जेड इनवर्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा 1 - e^-at जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, तो तुम लोग क्या लिखोगे, 1 - 2e^-at, मतलब a² - 2, a तो 1 ही है, b पूरा b, ठीक है, और फिर बाद में बी स्क्वायर लिखोगे पीछे, प्लस e^-2at z - 2 b² स्क्वायर करेंगे तो e^-2 आएगा, z - 2 आएगा, ठीक है। बट एक चीज़ ऐड होती है यहाँ पे, वो याद रखना है कि यहाँ पे cos β t आएगा सेंटर वाले कंपोनेंट में, ठीक है। इतना हम लोग याद रखना है, a - b से याद रह गया 1 - e^-at और z - 1 का होल स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। तो हम लोग को डिनोमिनेटर टर्म याद हो गई। अब बात ये है कि उसके ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर की टर्म कैसे याद रखें, ठीक है। तो न्यूमिनेटर की टर्म सेंटर टर्म जैसे ही होगी, मतलब सेंटर टर्म ही समझ लो, ठीक है, बट उसमें 2 नहीं है, ठीक है। मतलब न्यूमिनेटर की जो टर्म है वो अगर s + a वाले के लिए, ठीक है, तो वो e^-at जेड इनवर्स सेंटर टर्म है, इसलिए ये टर्म तो आने ही वाली है, ठीक है। और आएगा cos β t, ये तुम लोगों को याद रखना है कि s + a वाले में cos आएगा, ठीक है, और वो भी 1 - e^-at जेड इनवर्स cos β t। और अगर b ऊपर है तो फिर ऊपर आएगा e^-at जेड इनवर्स sin β t, ठीक है। मतलब अगर वो s + a ऊपर है तो 1 - e^-at जेड इनवर्स cos β t, और b ऊपर है तो e^-at जेड इनवर्स sin β t। तो ये ट्रिक्स थी, ये तीन इक्वेशंस याद करने के लिए, और वो तो याद करनी ही पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल, और फिर इन दोनों में से एक के ऊपर का पूरा एग्जांपल सॉल्व करके हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंपल्स इनवेरिएंट मेथड से 2/(s+1, s+3) और 2 सैम्पलिंग टाइम दिए हुए, उसके लिए अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम लोग टी को टी रहने देंगे, बाद में हम लोग 1 सेकंड और 0.5 सेकंड वैल्यू निकाल के वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे 2 पोल्स है, बट हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो एक सिंगल पोल के लिए हम लोगों ने देखी है, और एक पोल के स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के लिए देखी है। तो हम लोग इन दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और अलग अलग कर देंगे, ताकि दोनों में एक एक पोल आ जाए, ठीक है। अब हम लोग नोटबुक में आ जाएंगे। HS = 2/(s+1, s+3) तो सर जब तुम पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, s = -1 डाल दो इसको निकाल के, तो -1 यहाँ पे आएगा, -2, 2/(-2, -1) तो ये आएगा -1/(s+1) अब -3 डाल दो इसको निकाल के s के जगह पे, तो -3, -1, -2, 2/(-2, -1) और ये +1 आया था, ठीक है, s+3।
इन शॉर्ट पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे प्लस वन या माइनस वन वैल्यूज आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन किया वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस थ्री, और यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे वन अपॉन एस प्लस पी आई वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू माइनस पी आई टी जेड इनवर्स। ठीक है, आपस में यहाँ पे लिख दो ऐसा हो तो वन अपॉन एस प्लस पी आई का एच जेड होता है वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू माइनस पी आई टी जेड इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा वन अपॉन पी आई क्या है वन, मतलब पी आई अभी क्या है वन कॉमा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वन माइनस ई रेस टू माइनस वन टी जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस पी के जगह पे थ्री डालना है अभी मुझे ई रेस टू माइनस थ्री टी जेड इनवर्स। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू वन के लिए अलग देना है और टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव के लिए अलग देना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट कर दो वन माइनस ई रेस टू माइनस वन जेड इनवर्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू माइनस वन माइनस ई रेस टू माइनस थ्री जेड इनवर्स। ठीक है, और इसके बाद में तुम कैलकुलेटर से आराम से वैल्यू निकाल सकते हो और वो तुम्हें मिल जाएगी। फिर वैसे ही जैसे मैंने वन डाला वैसे यहाँ पे पॉइंट फाइव डाल दोगे और कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लोगे। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एस इज इक्वल टू एस प्लस जीरो पॉइंट वन अपॉन एस प्लस जीरो पॉइंट वन होल स्क्वायर प्लस नाइन। तो ये कौन सा फॉर्म है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है। नीचे आएंगे, ये हम लोगों ने पहले ऐसे ही इक्वेशन लिखी थी ऐसे एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए क्या था वन माइनस ई रेस टू माइनस ए टी कॉस बी टी जेड इनवर्स अपॉन वन माइनस टू ई रेस टू माइनस ए टी कॉस बी टी जेड इनवर्स प्लस ई रेस टू माइनस ए टी जेड माइनस टू। ठीक है, ई रेस टू माइनस टू ए टी जेड माइनस टू, ये कैसा हम लोगों ने याद रखा था कि वन माइनस ये है वन माइनस ई रेस टू माइनस ए टी जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके हम लोगों ने कुछ याद की थी ये इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ए की वैल्यू क्या है अभी वो देखेंगे हम लोग। अभी क्या है यहाँ पे एस प्लस जीरो पॉइंट वन है अपॉन एस प्लस जीरो पॉइंट वन होल स्क्वायर है प्लस नाइन के लिए हम लोग लिखेंगे थ्री स्क्वायर, हम लोग को चाहिए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आएगा बी थ्री हो गया ए हो गया जीरो पॉइंट वन, तो वन माइनस ई रेस टू माइनस जीरो पॉइंट वन टी कॉस थ्री टी बी के जगह पे जेड इनवर्स। ठीक है, नीचे आएगा वन माइनस टू ई रेस टू माइनस जीरो पॉइंट वन टी कॉस थ्री टी जेड इनवर्स प्लस ई रेस टू माइनस टू जीरो पॉइंट वन टी जेड माइनस टू। ठीक है, अब कुछ नहीं, टी वापस दिया होगा तुम लोगों को वन एंड सैम्पलिंग टाइम जीरो पॉइंट फाइव। ठीक है, तो एक बार वन के लिए सॉल्व करो एक बार जीरो पॉइंट फाइव के लिए सॉल्व करो। वन के लिए कैसे आएगा वन माइनस ई रेस टू माइनस जीरो पॉइंट वन हो जाएगा कॉस थ्री हो जाएगा और जेड इनवर्स, और नीचे वन माइनस टू ई रेस टू माइनस जीरो पॉइंट वन कॉस थ्री जेड इनवर्स। ठीक है, प्लस ई रेस टू माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट वन जेड माइनस टू। अब यही जीरो जहाँ पे मैंने जेड टी के जगह वन डाल दिया उसके जगह जीरो पॉइंट फाइव डाल दोगे तो जीरो पॉइंट फाइव के लिए हो जाएगा। और ये याद रखना कि ये जो कॉस थ्री है वो रेडियन में है। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर में रेडियन की वैल्यू सही नहीं आ रही है, अगर कैलकुलेटर में हम लोग रेडियन पहले तो कर सकते हैं कि कॉस फिर यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है आर एन डी, तो शिफ्ट रेडियन कॉस शिफ्ट रेडियन और फिर थ्री। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू ला सकते हैं, या फिर हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे कि डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इंटू 180 बाय पाई। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन बाय पाई, रेडियन की जो भी वैल्यू बाय पाई इंटू 180 करोगे तो डिग्री मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट तुम कैलकुलेटर में डिग्री में लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर तुम्हें डिग्री में आंसर देगा। कैलकुलेटर में कॉस थ्री थ्री डिग्री कंसिडर करके होगा, नॉट रेडियन। ठीक है, थैंक यू।